हम है मौजूद धनकौर क्षेत्र में, भय मुरसतपुर में। यहाँ आप देख सकते हैं शादियों की सीजन में कितनी भीड़ है, लोग यहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं सीएनजी के इंतज़ार में। लोगों का कहना है कि आसपास यहाँ पर सीएनजी गैस की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। शादियों का सीजन चल रहा है, सभी लोग अपने घरों से जा रहे हैं, तो यहाँ बहुत बहुत दूर तक लंबी लाइनें लगी हैं। ये ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है, धनकौर के पास में मुरसदपुर सीएनजी पंप है, जहां लोग अपनी गाड़ियों में सीएनजी डलवाते हैं। तो यहां पर बहुत भीड़ है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं अभी रघुपुरा क्षेत्र से मैं गया था, वहां पे सीएनजी डलवाने के लिए, तो वहां तो सीएनजी है ही नहीं। और हमारे नियर बाई एक चपरगढ़ में है, तो वो भी ब्लॉक है, उसमें भी सीएनजी नहीं है। और जो रघुपुरा वाला है वहां तो बिल्कुल ही नहीं है, बंद करके बैठ जाते हैं हमेशा। तो ये वजह क्या है, शादियों की वजह से है क्या? परेशानी आ रही है, इसका सॉल्यूशन होना जरूरी है। किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर भी जो सीएनजी उपलब्ध नहीं है। तो आप कहां से आ रहे हैं? मैं तो उधर जेवर क्षेत्र से आया था। तो जेवर क्षेत्र से आकर यहां गैस भरवानी पड़ रही है? हां जी। और रोपरा भी गया था, वहां भी कोई गैस का सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर चपरगढ़ गया, वहां भी नहीं मिला। तब जाके यहां आया, यहां भी एक घंटा लाइन में खड़े खड़े हो गई।